हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई बहुत अच्छा से चल रहा होगा। ये जो करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है, इसका आपका पार्ट नंबर, ये पार्ट दो है। अगर आप पहला नहीं देखे तो देख लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 33 तक हो गया था। और इसमें जो भी क्वेश्चन है ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी क्वेश्चन को देखिए। कल जो एक छोटा सा सेशन हुआ था, उससे जो कल का एग्जाम हुआ था, BPSC के द्वारा एक एग्जाम लिया गया था आज से 2 दिन पहले, तो उसमें एक क्वेश्चन उसी वीडियो से आया हुआ था। चलिए देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है। कह रहा है कि जैसे कि मिस वर्ल्ड 2022 का किताब किसने जीता है, तो किसके द्वारा ये किताब जीता गया, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, साइलिन फोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइलिन फोर्ड। इसके द्वारा कौन सा किताब जीता गया, तो मिस वर्ल्ड 2022 का किताब जीता गया। जबकि अभी आपसे पूछ ले कि मिस यूनिवर्स का किताब किसके द्वारा जीता गया, तो ये हरनाज सिंधु के द्वारा जीता गया, जो भारतीय है, ये चंडीगढ़ के, ठीक है। तो ये आपको दोनों में कन्फ्यूज नहीं करना है। मिस वर्ल्ड पूछे तो क्या हो जाएगा आंसर, तो साइलिन फोर्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे मिस यूनिवर्स पूछे तो हरनाज संधू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जो भी क्वेश्चन है सबको इसी वीडियो में अच्छे से याद कर लीजिए, और जो हाईलाइट पॉइंट है ना उसको आप फोकस कीजिए, वहीं से क्वेश्चन बनेगा। वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रोबर्ट लेवांडोस्की हो जाएगा, ठीक है। इनका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक दो बार उच्चारण कीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ के, तो पोलैंड के हैं। कहाँ के? पोलैंड के हैं। और 2022 में मतलब जो फीफा होगा ये कहाँ पे होगा, तो कतर में होगा। कहाँ पे होगा? कतर में होगा। चलिए अगला देखिए। अगला जो आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या करें कि जनवरी 2022 में इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है, तो इनका जो है मतलब राजधानी अब नया जो है कहाँ पे बनेगा। तो सबसे पहले बात, इंडोनेशिया का जो पहले राजधानी था ये कहाँ पे था, तो जकार्ता था। लेकिन अब जो नया राजधानी बनेगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये नूर संतरा में बनेगा। कहाँ पे बनेगा? नूर संतरा में। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, अभी ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है। कह रहा है कि जनवरी 2022 में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है, तो इनका नाम क्या है? सारा गिल। और ये ट्रांसजेंडर डॉक्टर है, और ये पाकिस्तान के ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है, और इनका नाम क्या है, तो सारा गिल इनका नाम है। तो को रिलेट करके आप अच्छे से याद रखिए, पहली बात कि ट्रांसजेंडर है, दूसरी बात पाकिस्तान के, और इनका नाम क्या है, तो सारा गिल। ये क्या बनी है? तो डॉक्टर बनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 38 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने का घोषणा किया है, तो मतलब ये जनवरी का न्यूज है, ठीक है। और महात्मा गांधी के नाम पे एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखा जाएगा मॉरिशस में। किस देश में? मॉरिशस में एक मेट्रो स्टेशन के नाम महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 39 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो देखिए ये व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है। किसको दिया गया? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। ये कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। पुरस्कार किसको मिला है? तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 40 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है, तो मतलब इसका आंसर क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रजक्ता कोली बने। कौन? प्रजक्ता कोली। ये क्या बने? पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन बने हैं। क्या बने? UNDP युवा जलवायु चैंपियन बने। इनका नाम क्या है? तो प्रवक्ता कोली इनका नाम है। अगला देखिए। अगला आपका 41 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि जैसे कि प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला आपका 42 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित किया जाएगा। थोड़ा सा ऊपर कर देते क्वेश्चन को, देखिए मतलब भारत के पहला जो है पैरा बैडमिंटन अकादमी को कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसको बनाया जाएगा। क्या? पैरा बैडमिंटन अकादमी बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना, पैरा यानी कि पैरा बैडमिंटन अकादमी बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ। अगला देखिए। अगला आपका 43 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है
कि 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिए। नेताजी पुरस्कार किसको दिया गया 2022 से सम्मानित किया गया, तो शिंजो आबे को किया गया। और ये जापान के मतलब भूतपूर्व जो थे मतलब प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना, इनको गोली मार करके इनको हत्या कर दिया गया। और 2021 में भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म मतलब विभूषण भी मिला था। तो ये कई एग्जाम में आया था कि मतलब कौन से ऐसे विदेशी प्राइम मिनिस्टर है जिनको अभी पद्म विभूषण मिला है, तो मतलब शिंजो आबे को ही मिला था 2021 में पद्म विभूषण, ठीक है। जबकि अभी इनको कौन सा पुरस्कार मिला, तो नेताजी पुरस्कार मिला है शिंजो आबे को। इनका रिलेशन जो है भारत के साथ बहुत अच्छा था। अगला देखिए, अगला आपका 44 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 23 जनवरी 2022 को किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता। तो ये पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है। कौन सा खिताब जीता गया इनके द्वारा, तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता गया। आप अच्छे से याद रख लीजिए कौन सा किताब है, तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का किताब पीवी सिंधु जी के द्वारा जीता गया। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, सिर्फ पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, जो चीज़ आप पढ़ते हैं उसको याद रखिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काम वही चीज़ आता है एग्जाम में। अगला आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ICC वोमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया। तो ICC वोमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो 2021 के लिए जो चुना गया, किसको चुना गया, तो स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना को क्या चुना गया, तो ICC वोमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया। अगला देखिए, अगला जो आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा इसका सही है, जैसे कि तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा दोनों के द्वारा, तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा, ये दोनों लोग मिल करके ये पुस्तक लिखे। पुस्तक का नाम क्या है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किसके द्वारा लिखा गया, तो तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा लिखा गया। अगला देखिए, अगला आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का पहला जो है ग्रेफिन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो ग्रेफिन नवाचार केंद्र की स्थापना केरल में किया गया। कहाँ पे किया गया, केरल में किया गया। अगला 48 नंबर क्वेश्चन है कि 25 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021, देखिए ये है एक्चुअली 2022 में जारी हुआ है, लेकिन ये 2021 के ही डाटा के बेस पे इसको जारी किया गया है। तो भारत का स्थान इसमें कौन सा है, तो 85वां नंबर के स्थान है। कितना, तो 85 नंबर के स्थान है भारत के किस में, तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में, जो 2021 का ये है लेकिन जारी कब हुआ, तो 2022 में हुआ। अगला देखिए, अगला आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पद्म विभूषण सम्मान 2022 किस एक को नहीं दिया गया। तो देखिए, ये चारों के चारों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार जो है पद्म विभूषण पुरस्कार जो है सिर्फ और सिर्फ चार लोगों को ही मिला है, और ये 26 जनवरी को दिया जाता है। चार लोगों को किसको किसको मिला, तो चारों के नाम याद रख लीजिए, जैसे कि प्रभा आत्रे को मिला है, राधे श्याम खेमका को मिला है, और जनरल बिपिन रावत को मिला है, और चौथा जो है आपका कल्याण सिंह, इनको भी मिला है। थोड़ा थोड़ा सबको जान लीजिए, जैसे कि प्रभा आत्रे है ये महाराष्ट्र से है, राधे श्याम यानी कि खेमका जो है ये आपका यूपी से है, जबकि जनरल बिपिन रावत जो है ये यूके से यानी कि उत्तराखंड से हैं, ठीक है। और ये किस मतलब ये गोरखा बटालियन से संबंधित है। कल्याण सिंह के बारे में बात करें तो ये यूपी के CM भी रह चुके हैं और राजस्थान के गवर्नर भी रह चुके हैं पहले, ठीक है। एक बार ऐसे कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया था टेस्ट सीरीज में कि जैसे कि कौन से यूपी के CM रह चुके हैं जिनको अभी हाल ही में 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, तो ये कल्याण सिंह ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 50 नंबर के क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में यानी कि अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस को लॉन्च किया है। तो मतलब सबसे बड़ा जो है यानी कि एशिया का सबसे बड़ा, आपको क्या याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा, तो केरल सरकार के द्वारा किया गया। किस राज्य के द्वारा, केरल राज्य के द्वारा। अगला देखिए, अगला जो आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व में यानी कि टी इन टू में टू वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मतलब वहाँ पे टाइगरों की संख्या दुगुना हो गया। तो ये आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये कहाँ पे, तो तमिलनाडु में है। जबकि आपसे अगर जिम कार्बेट पूछ ले तो ये उत्तराखंड में है, और बांदीपुर पूछ ले तो कर्नाटका में, और कान्हा टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में है।
2x2 में एक्स पुरस्कार जो है किसको मिला है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला है जो तमिलनाडु में है। और किस लिए दिया गया, क्योंकि यहाँ टाइगरों की संख्या दो गुना हो गया है। अगला देखिए, अगला आपका 52 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है और ये जनवरी 2022 का न्यूज है और ये आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। किसको? डॉक्टर बी अनंत नागेश्वर को नियुक्त किया गया। किसको? डॉक्टर बी अनंत नागेश्वर अभी क्या बने हैं, तो आर्थिक सलाहकार बने, इसको भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया। अगला देखिए, अगला आपका 53 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जैसे कि यहाँ पे दो क्वेश्चन आपका बनेगा, दोनों को ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता। तो महिला एशिया हॉकी कप 2022 के खिताब जो जीता, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जापान के द्वारा जीता गया। महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब जापान द्वारा जीता गया। जबकि यहाँ सिर्फ महिला को हटा करके पुरुष कर दे तब ये खिताब किसके द्वारा जीता जाएगा, तो दक्षिण कोरिया के द्वारा। जबकि महिला वाला में दक्षिण कोरिया हार गया था, लेकिन पुरुष वाला में दक्षिण कोरिया जीता। तो सिर्फ आप दोनों जीता हुआ के नाम याद रखिए। अगर महिला पूछे महिला में कौन जीता 2022 में हॉकी यानी कि एशिया हॉकी कप, तो जापान। और पुरुष वाला में पूछ ले तो दक्षिण कोरिया हो जाएगा, पुरुष वाला में पूछे तो दक्षिण कोरिया, ठीक है। जबकि 2023 में जो है हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो ये भारत में होगा और एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2023 में जो है हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ, भारत में होगा और भारत के उड़ीसा राज्य में होगा। अगला देखिए, अगला आपका 54 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला यानी कि महिला सिंगल का किताब किसने जीता। तो ये ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला सिंगल का किताब किसके द्वारा जीता गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एस्ले बार्टी के द्वारा जीता गया और ये ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी है। अगला देखिए, अगला जैसे कि आपका 55 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है। तो देखिए ये ब्रांड फाइनेंस के अकॉर्डिंग है, 2022 जो है आपका अभी चल रहा है, तो 2022 में जो सबसे वैल्यूएबल कंपनी जो है ब्रांड है वो आपका एप्पल है, क्योंकि आप देखते हैं एप्पल का सामान सब बहुत ही महंगा आता है। और एप्पल के अभी सीईओ कौन है, तो टिम कुक है जो एप्पल के सीईओ है, ठीक है। जबकि हम गूगल की बात करें तो गूगल के सीईओ आपका सुंदर पिचाई है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला है और अमेजन के सीईओ जो है एनडी जेसी है। ये एक क्वेश्चन और यहाँ से आपको बनेगा, जैसे कि अभी दो ऐसे बड़े कंपनी के सीईओ है जिनको क्या मिला है, तो पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। जैसे कि सुंदर पिचाई को भी मिला है और सत्य नडेला को भी मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। तो आपको अच्छे से याद रखना, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन बन गया, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछ ले कि ब्रांड फाइनेंस के सबसे वैल्यूएबल, तो एप्पल हो जाएगा, एप्पल के सीईओ टिम कुक हो जाएगा। गूगल के सीईओ पूछे तो सुंदर पिचाई, और सुंदर पिचाई को कैन पुरस्कार मिला इस बार, तो पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, इनको भी कौन पुरस्कार मिला है, तो पद्म भूषण पुरस्कार ही मिला है। और अमेजन के सीईओ एनडी जेसी है, समझ गया क्वेश्चन को। चलिए अगला देखिए, अगला आपका 56 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया। तो देखिए संसद में जो बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो सांसद बोलते हैं, ठीक है। तो संसद और सांसद दोनों के कार्यवाही की जानकारी को हासिल करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। उस ऐप का नाम क्या है, तो डिजिटल सांसद उस ऐप का नाम है। क्या नाम है? डिजिटल सांसद उस ऐप का नाम है। अगला देखिए, अगला आपका 57 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि 27 जनवरी 2022 को यानी कि पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है। तो किसके द्वारा किया गया, तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और ये भारत यानी कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले है यानी कि पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा किया गया, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अगला देखिए, अगला आपका 58 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, जैसे कि आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को यानी कि वर्ष 2022 के लिए चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। क्या? चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो मतलब उस वर्ड कौन सा है, तो चिंता, यानी कि चिंता वो वर्ड है यानी कि चिंता, ठीक है। चिंता वर्ड को यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा ये वर्ड ऑफ द मतलब वर्ष 2021 के लिए घोषित किया गया, ठीक है। जबकि ये पूछ ले कि यानी कि ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया, तो वैक्स को घोषित किया गया था। और यहाँ पे चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया, तो चिंता को घोषित किया गया। अगला देखिए,
अगला जो आपका 59 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 18 जनवरी 2022 को किस देश ने एरो 3 यानी कि एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो इसका आंसर इजराइल हो जाएगा, ठीक है। इजराइल के द्वारा अभी मतलब जो है एक मतलब एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अगला देखिए, अगला आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो सारथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया सेबी के द्वारा। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और अभी सेबी के जो अध्यक्ष है, ये पहली महिला अध्यक्ष है, माधवी पुरी बुच जो है इसके पहली महिला अध्यक्ष है सेबी के। और सेबी के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, तो सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका 61 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 23 से 28 जनवरी 2022 तक चले ऑपरेशन सर हवा जो है किसके द्वारा चलाया गया, तो ये BSF के द्वारा चलाया गया। कहाँ? BSF के द्वारा ऑपरेशन सर हवा चलाया गया। किसके द्वारा? ऑपरेशन सर हवा BSF के द्वारा चलाया गया। अगला आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, 62 नंबर है सॉरी, देखिए जो आपका 62 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ी की सूची में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो सबसे पहले बात, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाओमी ओसाका है। और ये टेनिस खेलती है और ये जापान के है। कहाँ के? जापान के। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि नाओमी ओसाका जो टेनिस प्लेयर है ये किस देश के, तो जापान देश के है। और ये किसके द्वारा जारी किया गया, तो फोर्ब्स के द्वारा ये जारी किया गया है। और टॉप 10 जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला है उसमें नाओमी ओसाका के नाम आते हैं, और ये जापान से है और ये टेनिस खेल से संबंधित है। अगला देखिए, अगला 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 10 से 20 जनवरी 2023 के मध्य पहली विश्व बधिर यानी कि बधिर पहले विश्व के हैं, ठीक है, पहले विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किस राज्य में किया जाएगा? तो भारत के केरल राज्य में किया जाएगा, ठीक है, भारत के केरल राज्य में किया जाएगा बधिर T20 क्रिकेट चैंपियन का आयोजन। क्या है नाम इसका? बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किया जाएगा, भारत के केरल राज्य। अगला देखिए, अगला आपका 64 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? पहली अश्वेत महिला जो इनका नाम है माया एंजले इनका नाम है, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि माया। आपको इतना भी याद रहेगा माया तो हो जाएगा आपका काम, ठीक है। माया है जो पहली अश्वेत महिला है और इनको अमेरिकी सिक्के पर दिखाया गया। अगला जो आपका क्वेश्चन है, ये 65 नंबर जो क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई? तो इंदु मल्होत्रा, ठीक है, इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक मतलब जांच एजेंसी बनाया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जब वहाँ गए थे पंजाब दौरे पर तो किस वजह से सुरक्षा चूक हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 66 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 12 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को पुलिस उप अधीक्षक यानी कि DSP के रूप में नियुक्त किया गया? तो सबसे पहले बात, DSP के रूप में नियुक्त किया गया तो ये असम के हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है? तो लवलीना बोरगोहेन इनका नाम है, और टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक इनके द्वारा जीता भी गया था। इनको अभी असम सरकार के द्वारा DSP के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है, DSP के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। ये आपका पार्ट नंबर टू जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा सपोर्ट करिए, यानी कि लाइक और शेयर आप जरूर कर दीजिए। और देखिए, हम छोटा छोटा वीडियो इसलिए दे रहे हैं कि आप अच्छे से देख पाइएगा और हम अच्छे से आपको बता भी पाएंगे। और इसको हम पहले ही से सब कुछ कलर वलर करके लेके आते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो, क्योंकि इस बुक का जो फॉन्ट है ना ये बहुत गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा छपा हुआ है ना, क्योंकि पेज बिल्कुल थोड़ा भी अच्छा नहीं है। जैसे कि एडिटोरियल का पेज देखते ना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इस बुक का पेज अच्छा नहीं है, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा है। तो आपको कंटेंट पे ध्यान देना है, और हम आपको बार बार पढ़ के बता दे रहे हैं इसीलिए ताकि आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन ना रह जाए, समझ गए बातों को। तो आपको एग्जाम में सिर्फ टिक लगा के इस क्वेश्चन को आना है, जो क्वेश्चन सही होगा उसका, तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है, आपको याद हो जा रहा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।